गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर दैट इज द जर्नी ऑफ द वेस्ट वाटर. एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर सैनिटेशन एंड रिलेटेड डिजीज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमिकल मेथड ऑफ द सीवेज डिस्पोजल. इकोनॉमिकल मेथड, किस तरीके से इकोनॉमिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल को, वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं, इकोनॉमिकल मेथड्स. ठीक है, अब देखिए हम लोग. Constructing a sewage system is an expensive process. ये क्या है, sewage system को construct करना क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा लंबा process है. और कैसा process है, एक expensive process है, expensive है, खर्चीला process है. Because it involves the line down of several sewers, उनको sewers को एक साथ collect करना, aeration करवाना और sanitation tanks की इसके अंदर आवश्यकता होती है और इसके proper maintenance की आवश्यकता होती है. But there is another economical alternative for sewage disposal known as on-site sewage disposal system. क्या बोल रहा है वो, on-site का मतलब है at the place where produced. आ रही बात समझ में, जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वहीं पर क्या कर दिया जाए, डिस्पोजल कर दिया जाए. तो क्या होगा कि ये वहीं पर उसका डिस्पोजल कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑन साइड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम. इन दिस द वेस्ट वाटर सिस्टम आर डिजाइंड टू ट्रीट एंड डिस्पोज ऑफ द एफ्लुएंट्स. एफ्लुएंट जानते हैं आप लोग, एक तो होता है इन्फ्लुएंट और एक होता है एफ्लुएंट. इन्फ्लुएंट वो होता है जो सीवेज सिस्टम के प्लांट के अंदर आता है और एफ्लुएंट वो होता है जो बाहर निकलता है. ठीक है, ऑन द सेम प्रॉपर्टी दैट प्रोड्यूसेस द वेस्ट वाटर. जिस तरीके से प्रॉपर्टी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए जो भी प्रॉपर्टीज है, उसी तरीके से एफ्लुएंट को हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं. इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है एंड द समटाइम्स बेनिफिशियल वे ऑफ डीलिंग दिस सीवेज. इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल भी है, ये प्रैक्टिकली भी चल रहा है एंड समटाइम्स बेनिफिशियल, ये कई बार क्या होता है, लाभदायक भी होता है. वे ऑफ डीलिंग विद द सीवेज, जो सीवेज का डील कर, सीवेज के साथ डील करने की जो प्रोसेस है. द मॉडर्न सेप्टिक टैंक सिस्टम, मॉडर्न सेप्टिक टैंक जाते हैं घरों में, जो हम लोग घरों के जो गटर के जो खड्डे हैं, टैंक जो बनाए हुए हैं, इज एन ऑन साइड डिस्पोजल मेथड. वो ऑन साइड डिस्पोजल मेथड के ही है, विच यूज द स्टैंडर्ड फ्लशिंग एंड उसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लशिंग होती है. जब वो कोई भी पर्सन अपना, मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्रीशन के लिए जाते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ऑफ द वेस्ट जा रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग फ्लश कर देते हैं, तो बहकर वो कहाँ चला जाता है, सेप्टिक टैंक में चला जाता है. द सेप्टिक टैंक एक्ट्स एज अ सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक, उसको सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक क्यों बोल रहे हैं, कि जो हैवियर मटीरियल है दैट विल बी गोज डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक. एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर डाइजेशन ऑफ द सेटल्ड स्लज, जो कचरा गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, अकर्स इन इट्स बॉटम जोन. जो उनका जो डिकम्पोजिशन है वो कहां पर होगा, वो सारा कहां पर होगा, नीचे वाले लोअर लेवल में हो गया, एट द बॉटम जोन में हो गया. एंड द रिमेनिंग लिक्विड हैज टू अंडरगो ट्रीटमेंट इन अ सोक पिट और फिल्टर बेड. जो बचा हुआ जो लाइटर मटीरियल है उसको क्या होती है, उनकी सोकिंग होती है. दिस कैन बी डन इन एरियाज वेयर द वाटर टेबल इज वेरी लो, जहां पर उनका वाटर का जो लेवल है बहुत ही कम होता है वहां पर. एंड द रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑल्सो डज नॉट इंटरफेयर विद देयर फंक्शनिंग. उनकी फंक्शनिंग के लिए रेन वाटर जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी इंटरफेयर नहीं करता है. द कंपोस्टिंग टॉयलेट इज एन एरोबिक प्रोसेसिंग सिस्टम. कंपोस्टिंग टॉयलेट जो होता है वो एरोबिक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है दैट ट्रीट्स एक्सक्रीटा टिपिकली विद नो वाटर और स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ फ्लश वाटर बाय एरोबिक डिकम्पोजिशन. वहां पर क्या होता है, ओपन एरिया के अंदर डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. दिस इज यूजुअली अ फास्टर प्रोसेस देन द एरोबिक एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ इन द सेप्टिक टैंक्स. सेप्टिक टैंक्स के अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस है, उसका योग एक तरह से क्या है, वो एनएरोबिक प्रोसेस है, इसलिए उसकी प्रोसेस कैसी है, बहुत ज्यादा लंबी है. दे हेल्प टू रिड्यूस द नीड ऑफ वाटर, नीड फॉर वाटर टू फ्लश द टॉयलेट्स. दे हेल्प टू रिड्यूस, इनसे क्या होता है, एरोबिक टैंक्स में क्या होता है,
वाटर की अमाउंट यूजफुल क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। ठीक है, आगे देखो, सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेसेस, सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे मार्केट में हम लोग गए, म्यूनसिपलिटी के ऑफिस में कहीं पे हम लोग जा रहे हैं, मार्केट में गए, सिटी में हम लोग निकल गए, तो वहां पर क्या क्या सैनिटेशन की प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो क्या है। देयर शुड बी सफिशिएंट टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स यूजिंग द एरिया ड्यूरिंग द डे। क्या बोल रहा है, पूरे डे के ड्यूरेशन में जितने भी ह्यूमन बींग्स वहां पर जा रहे हैं, आदमी और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी टॉयलेट की होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ वॉश मशीन, वहां पर वॉश मशीन भी होना चाहिए, फॉर क्लीनिंग हैंड्स विद क्लीन वाटर एंड सोप क्लोज टू द टॉयलेट फैसिलिटी। जो भी टॉयलेट फैसिलिटी वहां पर अरेंज है उनके पास में क्या होता है, प्रॉपर वॉश मशीन होना चाहिए फॉर वॉशिंग द हैंड्स। द वॉटर सप्लाई शुड बी रेगुलरली टेस्टेड टू इंश्योर दैट देयर इज नो कंटेमिनेशन। वॉटर सप्लाई को भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए ताकि वहां पर कोई भी गंदगी नहीं हो, उसके अंदर कोई भी वर्मिस नहीं आए। ठीक है, आगे देखिए, वेस्ट जनरेटेड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। जो भी वेस्ट वहां पर बन रहा है उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, डिस्पोज करना है। ठीक है, आगे देखिए, सैनिटेशन फैसिलिटी शुड बी वेल मेंटेन। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई की व्यवस्था जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड इन द पब्लिक प्लेसेस। हेल्थ रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है उनको डिस्प्ले करना चाहिए जगह जगह पे, जैसे मान लो बोर्ड लगा दिया या दीवार के ऊपर लिख दिया, डोंट हैव टू पी लिट हियर, डोंट हैव टू पी हियर, तो वहाँ पर कहीं पर यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, यहाँ पर शौच करना मना है, ये सब कुछ दीवारों पे लिखा हुआ है, तो वो क्या होती है, एक तरह से इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्ले कर दी जाती है इन पब्लिक प्लेसेस विद आई कैचिंग सिंपल एंड एक्यूरेट साइन। आई कैचिंग जो लोगों को दिख सके इजिली, जिससे लोग समझ पाए। हेल्थ एंड हाइजीन मैसेजेस लाइक हैंड वॉशिंग आर सॉरी हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ गार्बेज बिन्स, केयर ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज मे बी पास ऑन द पब्लिक बाय ऑडियो विजुअल एड्स एंड कलरफुल पोस्टर्स। क्या बोला उसने, जो पब्लिक एरियाज हैं उनके अंदर कलरफुल पोस्टर्स लगा के या फिर ऑडियो विजुअल एड जैसे स्पीकर वगैरह लगा के उनको बार बार क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। इफेक्टिव सीवेज डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव सीवेज डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज द की टू हैव अ हेल्दी एंड प्रोस्पिरस कंट्री। एक वेल्दी हेल्दी वेल्दी कंट्री के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इफेक्टिव सीवेज डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट की। वी ऑल प्ले अ रोल इन मेकिंग आर एनवायरमेंट हेल्दी एंड क्लीन। हम लोग खुद एक क्या है, एक प्ले करते हैं रोल इन मेकिंग आर एनवायरमेंट हेल्दी, एनवायरमेंट को हेल्दी और क्लीन बनाने में एक रोल प्ले करते हैं। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमको वेस्ट जो है उसका एक प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं उनसे उसको अच्छा एक तरह से प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अच्छा बनाने की हमारी क्या होनी चाहिए, एक तरह से सोच होनी चाहिए। वेस्ट वाटर शुड बी यूज इन एग्रीकल्चर एज इट कंटेन्स द वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स डिस्पोजल इज ऑफन एक्सपेंसिव। क्या बोल रहा है वो कि वेस्ट वाटर शुड बी यूज इन द एग्रीकल्चर, जो जैसे मान लो हम लोग सब्जियां धोने के लिए जो पानी यूज किया वो खराब नहीं हुआ, सब्जियां धोने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बट इट शुड बी प्लेस, इट शुड बी ड्रेन इन टू द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को दे देना चाहिए वो। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज दस अनदर वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो होता है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है वाटर कंजर्वेशन का भी एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है, ये तो आपका क्या था चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस। 10 मिनट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, MCQs क्या है देखिए हम लोग। फर्स्ट, वाई शुड कुकिंग ऑयल घी एंड फैट्स नॉट टू बी प्योर्ड डाउन इन टू द ड्रेन। क्या बोला उसने कि जो ऑयल वगैरह की जो चीजें हैं, ग्रीस वगैरह है, दैट शुड नॉट बी पोर्ड डाउन इन टू द ड्रेन। जो नालियां हैं उनके अंदर नहीं बहाने चाहिए, बिकॉज
दीज विल ब्लॉक्स द पाइप्स एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ वॉटर. तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी फर्स्ट, दैट विल बी फर्स्ट. दीज विल ब्लॉक द पाइप्स एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ वॉटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWTP. मैंने आपको बताया था WWTP क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो ये अभी आपका क्या है, फर्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. थर्ड वन इज विच स्टेटमेंट डिफाइंस द एरेशन. विच स्टेटमेंट डिफाइंस द एरेशन. एरेशन क्या होता है, एक्सपोज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द रनिंग एयर. रनिंग एयर के अंदर से और सर्कुलेटिंग जो एयर है उसके अंदर से निकालना किसी को, किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को. तो इट इज द सेकेंड वन. दिस इज द विच स्टेटमेंट डिफाइन, सॉरी, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट. एक बाई प्रोडक्ट है, साथ में बनने वाला प्रोडक्ट है, एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस द बायोगैस, जो बायोगैस बनाने में हेल्प करता है, डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, सीवेज, सीवर ना, स्कम, स्कम तो बाद में बनता है, ये होता है स्लज जो नीचे बैठता है. क्या है ये, स्लज, इट इज द सेकेंड वन. ओके, देन ई, द केमिकल विच इज यूज टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वॉटर इज, वॉटर इज ओजोन एंड क्लोरीन. ओजोन एंड क्लोरीन, तो यहां पर आपके आएगा बेटा फोर्थ वन, बोथ सेकेंड एंड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड. ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच एलम, एलम का मतलब क्या होता है, फिटकरी. एलम इज एडेड टू द वॉटर दैट कॉजेज डॉट एंड अदर पार्टिकल्स टू स्टिक टूगेदर इज नोन एज द कोएगुलेशन. इट इज नोन एज द कोएगुलेशन, वो इकट्ठा कर देती है. तो द एफ इज गोइंग फॉर द थर्ड. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉटर बॉर्न डिजीज. एक वॉटर बॉर्न डिजीज नहीं है, उसके बारे में मुझे देखना है. ठीक है, वॉटर बॉर्न डिजीज में कौन कौन सा है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें चार पांच डिजीज के नेम दिए हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूं. इट इज डिसेंट्री, इट इज डिसेंट्री. तो जी जो आपका, इट विच गोल्स टू थर्ड वन, डिसेंट्री है. उसके बाद देखो, आवर बॉडी कंपोज्ड ऑफ अबाउट 75% ऑफ वाटर. ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा. फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में देखिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग्स. लाइंस आर रिटन हियर. फर्स्ट वन इज कोएगुलेशन, बता दूं आपको मैं, कोएगुलेशन. सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन. सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन. थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन. डी वन इज एरेशन. एरेशन. देन ई वन इज स्लज. स्लज. एफ इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. एंड लास्ट वन इज क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या है आपका, एडिंग ऑफ द क्लोरीन. क्लोरीनेशन. ये आपने क्या थे क्वेश्चन है. अब वन मोर थिंग दैट वी हैव, कोएगुलेशन क्या है, देखिए आप लोग, कोएगुलेशन इज व्हाट. कोएगुलेशन अभी बताया, एलम इज एडेड टू द वेस्ट वाटर कॉजिंग द डॉट एंड अदर पार्टिकल्स टू स्टिक टूगेदर. जो डॉट और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो अदर पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एलम के प्रेजेंस से क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और क्या बना देते हैं, कि लुक दे बना देते हैं, स्टिक क्या बना देते हैं, स्कम बना देते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, इट इज फोर्थ. नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज वॉट,
द इम्प्योरिटीज सेटल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द टैंक. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स्थ वन. ओके नाउ फिल्ट्रेशन इज व्हाट द इम्प्योरिटीज परकोलेट थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड चारकोल एंड ग्रेवल. ग्रेवल का मतलब क्या होते हैं रोड़ी, एक तरह से बजरी वाली होती है, उससे अंदर से क्या होती है वाटर हम लोग डालते हैं, उसके अंदर से क्या होता है पानी रिस कर नीचे जाता है, परकोलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. इट विल गोज टू अवर फर्स्ट. एरेशन क्या होता है, एरेशन क्या होता है, एरेशन इज द वॉटर इज स्प्रेड इन टू द एयर वेयर इट मिक्स विद द ऑक्सीजन. जाके उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, उसका क्या होता है उसको पास एक्सपोज करते हैं वेस्ट वाटर को, ताकि उसके अंदर क्या मिल जाए ऑक्सीजन मिल जाए. उसके बाद में क्या है आपका स्लज. स्लज इज द सब्सटेंस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड. वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद जो बच जाता है दैट इज द स्लज. आर यू समझ. नेक्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज वॉट. प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज एट विच सोलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड्स इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाई यूजिंग द स्क्रीन्स. आर्यवास में डिफरेंट टाइप की स्क्रीन से छलनियों के अंदर से इसको निकाला जाता है, ताकि उसके अंदर से क्या होगा सॉलिड पार्ट जो है वो वेस्ट वाटर का वो सेपरेट हो जाता है. तो इट विल गोज फॉर द सेवंथ वन. एंड द क्लोरीनेशन बच गया आपका. द क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर बिफोर इट गोज फॉर योर होम्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इट विल गोज टू थर्ड. ये आपका क्या था मैच द फॉलोइंग. ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में. ये आपका मैच द फॉलोइंग था. थर्ड अरेंज द फॉलोइंग्स. उसने क्या कर रहे हैं चार पांच स्टेटमेंट लिखे हैं दैट शुड बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर अरेंजमेंट. फर्स्ट मेथड उसने लिखी है एयर इज मिक्स्ड इनटू द टैंक्स विद वेस्ट वाटर एफ्लुएंट. मैं केवल आंसर बता रहा हूं बेटा इसका, मैं आंसर्स लिख रहा हूं इसका. फर्स्ट सेंटेंस इज वॉट, एयर इज मिक्स्ड इनटू टैंक्स विद वेस्ट वाटर एफ्लुएंट. ठीक है, सेकंड जो आपका आएगा दैट विल बी ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट ऑन द वॉटर. ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट टू द सरफेस. Float to the surface. And the third one is sand and grit are removed. तीसरे में क्या होता है sand and grit, grit are removed. Then fourth one is, fourth क्या आएगा आपका chlorine. क्या करते हैं उसके अंदर क्लोरीन और ब्लीच इज एडेड टू द एफ्लुएंट. एफ्लुएंट के अंदर ऐड कर दिया. द लास्ट प्रोसेस क्या होगी उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए, तो बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द एफ्लुएंट. लोगों ने क्लोरीन वगैरह ऐड कर दिया तो दैट विल बी किल द बैक्टीरिया. ठीक है, आई बस में चलिए. इट इज योर थर्ड क्वेश्चन दैट इज अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन द करेक्ट मैनर. करेक्ट मैनर भी हम लोगों ने लिख दिया. अब देखिए आप लोग नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी. द क्वेश्चन इज फुल फॉर्म्स. क्या है फुल फॉर्म्स, क्या है फुल फॉर्म्स, क्या है फुल फॉर्म्स, जल्दी करिए आप लोग. क्या है फर्स्ट यूवी. यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वॉयलेट. सेकंड वन इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन.
नेक्स्ट इज WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म्स आ गई। ठीक है, आगे देख लिया हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका उसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपका आंसर बता रहा हूं, आंसर नंबर फाइव, आंसर फाइव के आंसर क्या है आपके, फिफ्थ के आंसर क्या है, एरेशन एड्स ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को टिक करेंगे फर्स्ट में, इन सेकंड क्लोरीन कोलेरा, सॉरी कोलेरा को टिक करेंगे आप लोग, सी एनारोबिक को टिक करेंगे आप, डी द सस्पेंडेड फ्लोटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम स्लज नॉट स्कम, ये क्या होता है आपका स्कम, क्या हो जाएगा अब ये क्या बना देंगे, स्कम, स्कम को करोगे आप सेप्टिक टैंक को करोगे आप, इट इज सेप्टिक टैंक। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन आंसर मैं एक भी नहीं कराऊंगा आपका, क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करेंगे। नेम देम, तो दो वाटर बोन डिजीज के नेम बतानी है, कोलेरा एंड टाइफॉइड कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाटर बोन डिजीज की बात कर रहे हो, कोलेरा एंड टाइफॉइड। ठीक है, ये ए आ गया। नेक्स्ट वन बी, टू सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, क्लोरीन एंड ओजोन। सी इज अ बायोगैस, दैट इज मिथेन। डी वन इज टू न्यूट्रिएंट्स कैरिड बाय द एग्रीकल्चरल वेस्ट, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू। अब ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया है, ऑल द क्वेश्चन शुड बी राइट इन योर फेयर कॉपी। ओके, आप लोग इसको इजिली पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं दैट शुड बी कंप्लीटेड बाय ओनली यू। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।